जोगिंदर नगर की ज्योति हत्या मामले में दोषियों को पकड़ने में हो रही देरी के खिलाफ ज्योति के मायके वालों में रोष व्याप्त। जोगिंदर नगर की ज्योति केस की जांच तेज करने, असली दोषियों को जल्दी पकड़ने की मांग को लेकर आज कुशाल भारद्वाज ने नकेहड़ गांव का दौरा किया तथा ज्योति के माता पिता व अन्य सगे संबंधियों के साथ बैठक कर उनको हौसला दिलाया कि केस की सच्चाई सामने लाने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए वे संघर्ष जारी रखेंगे। इस अवसर पर ज्योति के रिश्तेदारों व गांववासियों ने साफ कहा कि सभी लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा है और जैसा आप तय करेंगे वैसे ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाकी सब नेता लोग तो घटना के एक महीने तक उनके पास पहुंचे तक नहीं और बाद में भी सभी एक दिन मिलने की औपचारिकता पूरी कर फिर से गायब हो गए। भराड़ू क्षेत्र में भी यह अपने आप में पहली ऐसी घटना है, इसलिए उस क्षेत्र के समस्त लोग भी इंसाफ की लड़ाई में पूरी तरह से हमारे संघर्ष को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि 15-20 दिन में फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तथा जल्दी ही सभी असली गुनाहगारों को पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने सरकार व सरकार की एजेंसियों पर भरोसा करते हुए कुछ दिन के लिए आंदोलन स्थगित रखा था। लेकिन घटना को बीते 2.25 महीने हो गए हैं और ज्योति का क्षत विक्षत शव मिले भी 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन न तो फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई है और न ही राज्य सीआईडी इस केस की सच्चाई सामने ला पाई है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का सारा तंत्र खामोश है। उन्होंने कहा कि इस केस को हम दबने नहीं देंगे तथा इंसाफ लेकर ही रहेंगे ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके। भारद्वाज ने कहा कि यदि जल्दी ही केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई और गुनाहगारों को पकड़ा नहीं गया तो जनता फिर से संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है। भराड़ू पंचायत के बहुचर्चित ज्योति प्रकरण को आज 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। आप सबको मालूम है कि 8 अगस्त को ज्योति जो भी असली दोषी हैं, नजदीक के हैं चाहे दूर के हैं, उनको जो है किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन दोषियों की पहचान करके उनको गिरफ्तार करके कानूनन उनको सजा मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के हमने आह्वान किया था 14 सितंबर का कि हम सामूहिक उपवास करेंगे और उसके साथ साथ जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है जुलूस निकाल करके जोधपुर में करेंगे। लेकिन ज्योति के मायके पक्ष को और जो रिश्तेदार थे उनके ऊपर भी दबाव आना शुरू हुआ चौतरफा कि आप 14 सितंबर का जो आह्वान किया है कुशाल भारद्वाज ने या किसान सभा ने उसमें। जोगिंदर नगर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।